प्रेम से बोलो जय श्री वामन जी महाराज की जय हो। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मंदिर कमेटी का, जिसने मुझे इस मंदिर में मूर्ति के कलर करने का सौभाग्य दिया। मंदिर के प्रति लोगों में बहुत ज़्यादा आस्था है और इस आस्था को देखते हुए मैंने इस मंदिर का काम करने का निश्चय किया और चाहूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त हो। आपसे यही उम्मीद करूँगा और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में ही बेल आइकन है, उसे भी प्लीज़ दबा दें, ताकि आप आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा वीडियो आर्ट चैनल से है, इसलिए मैं पूरा कंप्लीट वर्क इसलिए मूर्ति का दिखा रहा हूँ कि मेरा आर्ट टीच वर्क का आपका कैसा लगा, किस तरह का लगा, नहीं लगा। मूर्ति का कलर का काम है, टोटली आप देखें और आपकी अपनी राय भी दें कि आपकी आस्था के अंदर का मूर्ति का कलर किस तरह सजा है, किस तरह नहीं सजा है। अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें, यही गुजारिश करूँगा। शुरू से अंत तक एक बार फिर से वीडियो को देखें। मेरे वीडियोज़ को जो पहले भी न देख पाए हों, उन वीडियोस को भी देखने की कोशिश करें। मंदिर कमेटी और लोगों ने जो आस्था थी, उस आस्था ने इस मंदिर को एक बार पुनर्जीवन दान दिया है। हालांकि 2015 में इस मंदिर का एक बार निर्माण कार्य होके कलर का कार्य भी पूर्ण हो चुका था, लेकिन दोबारा जब भी काम बना है उस हिसाब से दोबारा करने की कोशिश की है और उससे भी बेहतर करने की कोशिश की है। हमारी टीम ने भी यहाँ पे पूरा मन लगाकर काम करने की कोशिश की है। पेंटिंग लाइन में जो भी दिलचस्पी दिखाता है उसके लिए एक खास वीडियो है, ऑल पेंट का वर्क किस तरह से किया जाता है, किस तरह से नहीं किया जाता, पूरा का पूरा डिटेलिंग देने की कोशिश की है मैंने। इसलिए अंत तक देखें जरूर, तभी समझ में आने के चांसेस रहेंगे, वरना आप बीच बीच में काट काट के देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में भी नहीं आएगा और किस हिसाब से मैंने शेडिंग का काम किया है वो भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए देखें तो वीडियो पूरा देखें। इस मंदिर को देखते हुए मैंने एक शेर बनाने की कोशिश की है, कोई गलती हो तो क्षमा, कि वीरों की पहचान वीरता से होती है और वस्तुओं की पहचान जरूरत से होती है, कि वीरों की पहचान वीरता से होती है और वस्तुओं की पहचान जरूरत से होती है, और भाई साहब मंदिर की पहचान ऊंची दीवारों से नहीं, उसमें बसी मूर्त से होती है। इसलिए कहता हूँ साहब कि आप मंदिर की शक्तियों के बारे में गुणगान कीजिए। ऊंचे-ऊंचे भवन मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता, इसमें बसी मूर्त की शक्तियों में सारे मंदिर की आस्था विराजमान होती है। जिसमें भी मंदिर के दर्शन करने की इच्छा हो वो उसका पता मैंने ना मंदिर का पता मैंने पहले ही अपने स्क्रीन पे दे दिया है, जो भी आना चाहे वो श्रद्धा भाव से आए। एक बार फिर से मैं यही कहूँगा विनम्र भाव से कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि अधिकतर लोगों को इनका आशीर्वाद प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मंदिर कमेटी ने भी बहुत ज़्यादा आदर के साथ विदा किया, कि उनको भी बहुत ही ज़्यादा मूर्ति का कलर पसंद आया। देखेंगे तो आपको वो खुद जान जाएंगे, आप भी आएँ विजिट करें यहाँ पे। पता मैंने आपको पहले दिखाई दिया है, डिस्क्रिप्शन में और दे दूंगा यहाँ का पता, इसी कारण आपको मंदिर में यहाँ पर आने का अवसर भी प्रदान हो जाएगा और मंदिर को आप देख भी लेंगे अपनी निगरानी में कि किस तरह के आपकी कमेटी ने काम कराया है। अच्छा काम लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करने की अवश्य कोशिश करें, बार बार यही बोल रहा हूँ।